So in our previous वीडियो यू हैव सीन लोग नई फार्मूलाज वी हैव डिस्कस्ड, हमने बहुत सारे इसके अंदर फार्मूला डिस्कस किए थे। बट अब हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज 2.1 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, उसके अंदर हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो वो आप देखिए कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर यदि हम फर्स्ट क्वेश्चन ये लेके चलते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर साइन इनवर्स -1/2 ऑफ गिवन है, मुझे यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यदि मैं ये कहूँ यहाँ पर कि लेट हमारे पास जो साइन इनवर्स -1/2 है वो इक्वल टू वाई होगा, तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ से जो साइन वाई की वैल्यू दैट इज -1/2 हो जाएगी। ओके, आपको यहाँ पर माइंड में एक चीज और रखनी पड़ेगी कि हमारे पास दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्या। यदि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की हम बात करें, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, वो हमारे पास होता है दैट इज द क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2, ये होता है। ओके, तो हम यहाँ से साइन वाई की वैल्यू -1/2 है, डेफिनेटली हमारे पास, हमें यहाँ पर दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक तो ये कि हमारे पास जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स की, वो एक्चुअली -π/2 to π/2 का क्या मीनिंग है। यदि ये हमारे पास जीरो एंगल है, यहाँ पर जीरो लेते हैं, और ये हमारे पास π/2 है और यहाँ पर -π/2 है, इट मीन्स एंगल जो हमारे पास वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट? यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। लेकिन वन मोर थिंग, यदि हम यहाँ से देखते हैं कि साइन वाई जो है वो -1/2 है, और साइन नेगेटिव जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होता, साइन जो नेगेटिव होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंग हमारे पास जो एंगल लाई करना चाहिए वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। सेकेंड थिंग, हम यहाँ से साइन को भी देख के चल रहे हैं कि साइन नेगेटिव है, यदि साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बट हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का मतलब हमारे पास रेंज ही होता है, लेकिन हमारी रेंज के अकॉर्डिंग हमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना है, तो दैट्स व्हाई हम सिर्फ फोर्थ ही क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे कि साइन नेगेटिव है। अब मुझे ये पता है कि यदि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो जीरो से -π/2 तो की जाएंगे, और हमें पता है कि साइन 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, दैट इज π/6, तो इट मीन्स वहां पर एंगल जो है दैट इज -π/6 होगा। सो देयरफॉर जो वाई की वैल्यू होगी हमारे पास वो -π/6 हो जाएगी। इट मीन्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो हमारे पास आई वो -π/6 है। फिर हम ये चेक करके देखेंगे कि जो हमारे पास -π/6 है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई करता है कि नहीं। यदि इनके बीच में ये लाई करता है तो इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। इट मीन्स हमारे पास जो हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन इनवर्स -1/2 वी, जिसको हमने वाई सपोज कर रखा है, उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/6 है, दैट आंसर इज करेक्ट, क्योंकि वो इन बिटवीन दैट लाई कर रहा है। ठीक है, ओके। इस टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन में कोस इनवर्स √3/2 आपके पास गिवन है, आप लेट कर लेते हो कि हमारे पास जो कोस इनवर्स √3/2 है और वो एक इक्वल है, तो यहां से हमारे पास डेफिनेटली आपको इनवर्स फंक्शन दिख रहा है, तो √3/2 इज इक्वल टू यहां से आपको आएगा दैट इज कोस ऑफ ए। अब हमें ये पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोस इनवर्स वो है दैट इज 0 to π। अब ये 0 to π का मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई एक्सिस जो भी क्वाड्रेंट सिस्टम है हम बात करते हैं यहाँ पर, सो 0 से लेकर के 90, 90 मतलब π/2 और π/2 से π, इट मीन्स हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये लाई करना चाहिए, या तो फर्स्ट में हो या सेकंड के अंदर हो। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या रखा है, कोस है, और वो भी कैसा है, कोस पॉजिटिव।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास cos पॉजिटिव है, यदि cos हमारे पास पॉजिटिव है तो डेफिनेटली cos हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग जो cos पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, बट हमारे पास जो इसकी रेंज है वो 0 से पाई, इट मींस फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होनी चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो डेफिनेटली cos नेगेटिव होता है, साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, आप कह सकते हैं कि साइन थीटा और cosec थीटा ये यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं और यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, इट मींस हमारे पास हम यदि एंगल देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखेंगे, तो इट मींस हमारे पास cos ऑफ a √3/2 कितने पे होता है, cos ऑफ पाई बाय 6 पे होता है, सो देयरफॉर a की जो वैल्यू है ऑन कंपेयरिंग तो पाई बाय 6 होगी, और वो कहां बिलोंग कर रही है, दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 टू पाई, दैट इज करेक्ट, ये हमारे पास आंसर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट यदि हम इसका एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास यहाँ पर दैट इज कोसेकेंट इनवर्स 2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर कोसेकेंट इनवर्स 2 को a कह दूं, तो हमारे पास 2 इज इक्वल टू यहाँ से कोसेक का a आ जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं, यदि आप सेम क्वेश्चन को अलग वे से करना चाहें तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, कि 2 इज इक्वल टू दैट इज 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन a, और यहां से यदि आप इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 1 बाय 2 इज इक्वल टू साइन a आ जाएगा, आप यहां से यदि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स के अकॉर्डिंग देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, लेकिन सपोज किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए तो डेफिनेटली मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोसेकेंट के अकॉर्डिंग भी वर्क कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकेंट इनवर्स के बारे में बात करनी होगी, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकेंट इनवर्स हमारे पास क्या होता है, अब एक चीज समझ के चलिए कि कोसेकेंट इनवर्स जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो हमारे पास थी दैट इज माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, और वो भी क्लोज इंटरवल में थी, लेकिन आप एक और चीज माइंड में रखिए कि जो हमारे पास कोसेकेंट ए है वो 1 अपॉन साइन ए है, यदि हमारे पास 1 अपॉन साइन ए हम रखें तो साइन ए की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइन 0 0 होता है, तो इट मींस 1 अपॉन 0 यदि होगा तो नॉट डिफाइन होगा, तो आप यहां से ये कहें कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेकेंट इनवर्स है वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है एक्सेप्ट 0, तो ये आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगी, ओके, तो इस टाइप से आप इस पे वर्क कर सकते हैं, इट मींस आपको ये पता है कि कोसेकेंट पॉजिटिव है, यहां आप एक चीज अंडरस्टैंड करके चल रहे हो कि ठीक है हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये आपके पास पाई बाय 2 है, ओके, तो यदि हमारे पास ऐसा कुछ है लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट इंक्लूडिंग, वो हमारे पास नहीं है, तो हमें ये पता है कि हमारा जो एंगल लाई करेगा या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और कोसेक जो हमारे पास है वो पॉजिटिव दे रखा है, तो यदि कोसेक पॉजिटिव होगा तो कोसेक पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव होता है या वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बट हमारे पास जो हमारे पास रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है, तो हमारे पास जो कोसेक की वैल्यू है 2, इन मींस साइन की वैल्यू 1 बाय 2 वो कहाँ होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम तो 1 बाय 2 कहेंगे, 1 बाय 2 का मतलब हमारे पास साइन पाई बाय 6 कहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक यदि हम पाई बाय 6 कहते हैं तो इट मींस हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो पाई बाय 6 आएगी, लेकिन हम वहां पर चेक भी करके देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है इट मींस a क्या है दैट इज कोसेक इनवर्स 2, और वो हमारे पास माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, सो वो करेक्ट है, इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, राइट। यदि हम इस फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ का सॉल्यूशन की हम बात करें, तो यहां पर हम टेन इनवर्स माइनस रूट 3 को यदि b कह देते हैं,
माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 10 भी हो जाएगा। और जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ऑफ टेन इनवर्स वो हमारे पास क्या है, दैट इज ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय टू। ये ओपन इंटरवल ध्यान रहे, हमें पता है कि टेन यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ पर है तो माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू करेक्ट, बट ये हमारे पास इंक्लूडिंग नहीं है। क्या माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू इंक्लूड नहीं है, तो ठीक है हम यदि आंसर सर्च करेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही सर्च करेंगे, बट हमारे पास यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि टेन जो है वो नेगेटिव है, यदि टेन नेगेटिव है तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ में ही होगा। तो इट मीन्स जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो हम जीरो से माइनस पाई बाय टू तक ही सर्च करेंगे, तो यहाँ पर टेन बी जो आपके पास है वो टेन ऑफ रूट थ्री कितने पे होता है, दैट इज माइनस पाई बाय थ्री पे होता है, माइनस पाई बाय थ्री पे होगा। इट मीन्स हमारे पास जो यदि कंपेयर करते हैं तो बी की वैल्यू माइनस पाई बाय थ्री करेक्ट रहेगी, और वो डेफिनेटली हमारे पास जो इंटरवल है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू ओपन इंटरवल इसी के बीच में लाई करेगी। ओके, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। Now, find the principal value of cos inverse minus 1 by 2. यदि हम इसको सॉल्व करते हैं वही आप लेट करेंगे कि cos inverse minus 1 by 2 को हम यहाँ पर a कह देते हैं, तो we have minus 1 by 2 is equal to cos a, but आपको साथ साथ यहाँ से principal value branch जो है वो of cos inverse याद रखनी पड़ेगी, और डेफिनेटली वो हमारे पास क्या है, क्लोज इंटरवल 0 टू 5। आप पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू है दैट इज 0 टू पाई। यदि हम देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बट एक चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कोस नेगेटिव है, यदि कोस नेगेटिव कहाँ होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग कोस जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही सर्च करेंगे, इट मींस कोस ऑफ ए, ध्यान रखना 1 बाय 2 जो कोस होता है वो कहां होता है, वो पाई बाय 3 पे होता है, पाई बाय 3 मींस 60 डिग्री पे होता है। इट मींस हमें तो किस क्वाड्रेंट में रहना है, हमें तो डेफिनेटली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहना है, तो वो हमारे पास दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि cos 1 by 2 जो होता है वो 60 डिग्री पे होता है। तो इट मींस हमारे पास यहां से हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास cos of 3 pi minus pi upon 3 आपके पास हो गया, तो यहां से cos of a की वैल्यू cos of 2 pi by 3 आ गया। लेकिन आप यहां से कंपेयर करने के बाद लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, यदि हमने यहां पर कंपेयर किया तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू 2 पाई बाय 3 आ गई। लेकिन हमें ये और देखना है कि जो हमारे पास आंसर आया वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई करता है कि नहीं, तो डेफिनेटली प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई करता है। ओके, तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन यदि करना चाहें 10 इनवर्स माइनस 1 बाय 2, तो वो भी बिल्कुल सिंपली इसी टाइप से ही हो सकता है कि हम यहां से लेट करें कि जो हमारे पास 10 इनवर्स माइनस 1 है उसको b सपोज कर लें, माइनस 1 इज इक्वल टू 10 b हो जाएगा, वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 10 इनवर्स वो हमारे पास क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ 10 इनवर्स ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 होता है। ठीक है, देयरफॉर यहां से हम वही इसका सर्च करेंगे, 10 नेगेटिव होगा, 10 नेगेटिव कहां होगा,
टेन नेगेटिव हमारे पास होगा इस क्वाड्रेंट के अंदर, कौन सा टेन नेगेटिव होगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, टेन इज नेगेटिव, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे सर्च करेंगे, जीरो टू माइनस पाई बाई टू के बीच में, यहां देखते हैं इसको, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए यहां पर टेन बी इज इक्वल टू टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर, ध्यान रखें क्योंकि नेगेटिव है माइनस पाई बाई फोर, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू आएगी कंपेयर करने के बाद वो माइनस पाई बाई फोर आ रही है, बट क्या हमारे पास ये इस जो रेंज हमारे पास दे रखी है इसके बीच में लाई करेगा, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा, तो डेफिनेटली करेगा, तो ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। देखिए हम अब क्वेश्चन नंबर सेवन पे बात करते हैं कि हमारे पास secant inverse 2 by root 3 है, तो secant inverse definitely cos का reciprocal होता है, और हमें ये पता है कि जो cos होता है वो root 3 by 2 30 degree भी होता है, और 30 degree का मतलब हमारे पास था pi by 6, तो यदि मैं यहाँ से ये कहूँ कि हमारे पास secant inverse 2 by root 3 is equal to a है, तो 2 by root 3 is equal to क्या कहोगे, that is secant a, secant पॉजिटिव है, secant पॉजिटिव है, तो यदि secant की बात कर रहे हैं तो हम ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब हमारे पास ये है कि यहाँ ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव, टी का मतलब टेन थीटा और कोट थीटा ये दोनों पॉजिटिव, सी का मतलब cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल ये दोनों पॉजिटिव, ठीक है, आपको ये पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ secant इनवर्स क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास क्या, क्लोज इंटरवल 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, ठीक है, इस चीज का स्पेशली हमें ध्यान रखना पड़ता है या रखना चाहिए कि हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्या, सो यहां से आपके पास जो secant a है जो आपका 2 बाय रूट 3 है और ये हमारे पास secant पाई बाय 6 आप सपोज कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है, 0 से पाई के बीच में, लेकिन पाई बाय 2 वहां पर इंक्लूड नहीं है, ये चीज पाई बाय 2, तो यहाँ से जो a की वैल्यू यदि हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो पाई बाय 6 आ जाएगी, लेकिन क्या मैं ये जो ले रहा हूँ वैल्यू वो 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2 लाई कर रहा है, दैट मींस ये आंसर करेक्ट है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसे करने में, आराम से बच्चों को समझ में आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हम यहां से लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास cot इनवर्स रूट 3 है, लेट इट बी ए, रूट 3 इज इक्वल टू cot a, एंड जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ऑफ cot इनवर्स, सो दैट इज ओपन इंटरवल 0 टू पाई, इट मींस यहां बी हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, cot पॉजिटिव दे रखा है, तो cot पॉजिटिव हमारे पास कहाँ होगा, आप देखेंगे यहाँ से 0 से पाई ये होगा, लेकिन ओपन इंटरवल है, ये चीज इंक्लूड नहीं होगी, 0 और पाई इंक्लूड नहीं है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमें पता है कि जो कोट ए है वो रूट थ्री यदि दे रखा है तो कोट ये पाई बाय सिक्स पर ही होगा, ठीक है ना, कोट ए रूट थ्री जो है वो पाई बाय सिक्स पे होगा, तो इट मीन्स यदि ए की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग पाई बाय सिक्स आती है और वो इस इंटरवल के बीच में लाई करती है जीरो टू पाई के बीच में, तो आंसर करेक्ट होगा हमारा। सिमिलरली यदि हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, cos of, this is cos, cos inverse of minus 1 by root 2, तो मैं यहां से easily ये चीज कह के चल सकता हूं, don't get confused, ये हमारे पास जो है ये cos inverse है, तो let it be, ये हम बात करें तो ये suppose b कर लेते हैं, तो minus 1 by root 2 is equal to cos of b, और principal value branch of cos inverse है, that is close interval 0 to pi होता है,
ठीक है, हमें ये पता है कि ये नेगेटिव है, कोस नेगेटिव है, और कोस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, डेफिनेटली कोस नेगेटिव होगा तो हमारे पास सेकेंड और थर्ड में होगा, बट हम तो यहाँ पर हमारी रेंज के अकॉर्डिंग 0 to π आ रहा है, तो 0 to π में है तो डेफिनेटली सेकेंड में है, तो सेकेंड में है तो कोस बी इज इक्वल टू कोस ऑफ, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4, इट मीन्स कोस बी की जो वैल्यू है दैट इज कोस ऑफ 3π/4 होगा, तो हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो 3π/4 होगी, लेकिन क्या वो 0 to π के बीच में लाई कर रहा है, यस इट कर रहा है, तो इट मीन्स हम ये आंसर करेक्ट है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का ये कोसेक इनवर्स माइनस √3, यदि आप लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस √2 को ए सपोज कर लिया, तो माइनस √2 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ए, ये इनवर्स है तो डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ कोसेक ए आएगा। यदि आपको कोसेक ए दिख रहा है और वो नेगेटिव दिख रहा है, पहले तो आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में बात जरूर करोगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स हमारे पास जो है वो क्लोज इंटरवल में है, ध्यान रखना कोसेक इनवर्स जो हमारे पास दे रखा है उसका क्लोज इंटरवल में -π/2 to π/2 है, एक्सेप्ट क्या 0, ये रहेगा, और कोसेक नेगेटिव है, कोसेक पॉजिटिव तो होता है कहाँ, कोसेक पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, लेकिन नेगेटिव की बात हो रही है, ये -π/2 to π/2 है, और कोसेक नेगेटिव कहाँ हो सकता है, कोसेक नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है, 0 से π/2 तक, इसलिए आप कोसेक ए को यहाँ से कोसेक √2 कितना होता है वो हमारे पास होता है, दैट इज π/4 पे, लेकिन नेगेटिव है तो इट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -π/4 आप ले सकते हैं। तो क्या मेरे पास ऑन कंपेयरिंग ए की वैल्यू -π/4 आई, क्या ये लाइक किया इसने इस इंटरवल के बीच में -π/2 to π/2, आप खुद चेक कर सकते हैं, करना भी चाहिए, एक्सेप्ट 0, इट मींस ये आंसर करेक्ट होगा हमारे पास। ओके देखिए काफी इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन, जहां पर आपको अब वैल्यू फाइंड करनी है, यदि हम यहाँ से टेन इनवर्स 1 की वैल्यू सीधा सीधा समझें तो π/4 होती है, और यदि इसको भी सीधा सीधा समझें तो आप फार्मूला पढ़ चुके हो क्या, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, क्या होता है, दैट इज π/2, तो क्यों ना आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी π/2 ही पुट कर दो और सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पर 4, सो दैट इज π+2π, तो ओवरऑल जो वैल्यू आई वो आपके पास 3π/4 सीधा आंसर आ गया, इसमें आपको कोई प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको चीजें समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर एक और है दैट इज हम 12th, वो भी हम उठा सकते हैं यहाँ से समझ सकते हैं उस चीज को, सो दैट इज कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, राइट, तो हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके उनको ऐड कर दिया गया है, तो आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए कि साइन इनवर्स 1/2 यदि ए है तो 1/2 इज इक्वल टू साइन ए होगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को खास तौर पर ध्यान में रखना होता है, तो वो हमारे पास क्या है, दैट इज -π/2 to π/2, ये आपने देख लिया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है साइन 1/2 कितना होता है, π/6 पे होता है, तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, दैट इज π/6। ऐसे ही हम कोस इनवर्स के बारे में बात कर सकते हैं, यदि हमारे पास कोस इनवर्स 1/2 है तो उसको बी कह देंगे, 1/2 इज इक्वल टू कोस ऑफ बी हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ऑफ कोस इनवर्स वो हमारे पास क्या है, दैट इज 0 to π, तो इट मीन्स यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो कोस बी होगा 1/2, और 1/2 कोस ऑफ π/6 पे ही होगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी, दैट इज π/6। आप एक चीज देखिए कि ये वैल्यू तो मेरे पास π/6 है, प्लस 2 * ये भी π/6 है, आपने अभी सोल्व किया देखा, तो ये π/3 आ जाएगा सोल्व करने के बाद, और π/6 प्लस π/3 को यदि हम सोल्व करते हैं तो ये 30 और ये 60, 90 हो गया सीधा,
तो 6 आ गया आपके पास, दैट इज 5 प्लस 2 पाई। अब 5 प्लस 2 पाई कितना होता है, 3 पाई बाय 6, और ये कितना आ गया आपके पास, दैट इज 5 बाय 2। तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 5 बाय 2 होगी, और यही हमारे पास आंसर होगा। इसको वेरीफाई करने की आपको जरूरत तो नहीं होती है, राइट। यदि हम 13 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस 13 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू वाई है, और एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, साइन वाई। हमें ये बताया है कि साइन वाई की जो वैल्यू होती है, या वाई की जो वैल्यू होगी इस केस के अंदर, वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता है, दो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स यदि हम देखते हैं, तो वो -π/2 से π/2 है ऑफ साइन इनवर्स, दैट इज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर होगा वो करेक्ट यही होगा, दैट इज -π/2 से π/2। और लास्ट हमारे पास जो 14 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, टेन इनवर्स √3 - secant inverse -2। पहली बात तो आपको जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कह रहा है कि इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल है। तो वो पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा होगा। तो पहले तो सिंप्लीफाई कर लें कि टेन इनवर्स √3, और माइनस का हम कर देंगे यहाँ पर क्या, पॉजिटिव, और ये आएगा आपके पास माइनस, तो माइनस ही रहने दो, अभी पॉजिटिव क्यों करते हैं, ठीक है ना, हम इसको माइनस ही रहने देते हैं। और इसकी वैल्यू को मैंने सोल्व कर दिया, दैट इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2, ध्यान रखना सीकेंट इनवर्स 2। अब मैंने यहाँ से टेन इनवर्स √3 - π + secant inverse 2 की हम बात करते हैं। यदि हम टेन इनवर्स √3 की डायरेक्टली वैल्यू देखना चाहें, तो ये हमारे पास π/6 होती है, ठीक है, -π ऑलरेडी है। secant 2 जब cos 1/2 हो तो secant 2 होगा, तो इट मींस उस केस के अंदर आपके पास जो एंगल आएगा वो π/6 आएगा। आप चाहें तो उसको सेपरेटली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप देखिए π/6 और π/6 को ऐड करेंगे हम, π/6 + π/6 - π, तो ये आप देख रहे हो कि 2π/6 हो गया, -π आ गया, ये कैंसिल हो गया, तो यू गेट π/3 - π। और आप यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं, 3 दैट इज π - 3π, इट मींस जो आंसर आया वो -2π/3 आया। तो इस टाइप से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं करेक्ट हूँ, पहले आप ये चीज देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिस्टेक यदि आपकी हो जाती है, तो आंसर आपका डेफिनेटली रॉन्ग होगा। इस टाइप से हम इसको चेक कर, देखिए हमारे पास जो हमने यहाँ पर टेन इनवर्स √3 की जो वैल्यू पुट की है, वो टेन इनवर्स √3 π/3 पे होता है, मतलब हम 60 डिग्री जो बोल रहे हैं, ओके। और जो हमारे पास सीकेंट इनवर्स 2 है, वो भी हमारे पास 60 डिग्री π/3 होता है। तो मैं इस π/3 और π/3 को ऐड करूंगा, तो ये हमारे पास 2π/3 आ जाएगा, ओके। एंड पाई ऑलरेडी हमें पता ही है कि हम जब फार्मूला यूज कर रहे हैं तो वहां पर पाई आया हुआ था, तो यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो ये हमारे पास 2π/3 - π हो जाएगा, एलसीएम 3 हो जाएगा, 2π - 3π हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास -π/3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, आप बड़े इजीली इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ध्यान रहे फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, जितने अच्छे तरीके से आपको फार्मूले होंगे। आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पर टेन इनवर्स √3 को यहाँ पर π/3 लिखना था, हमने π/6 लिख दिया, तो छोटी सी मिस्टेक से भी हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमें इस हल्की सी चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास टेन इनवर्स जो √3 है वो π/3 है, सीकेंट इनवर्स 2 है वो भी π/3 है। तो आप थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि secant 2 का मतलब है ये कोस का रेसिप्रोकल, तो इट मींस हम कोस के बारे में बात करेंगे तो वो cos 1/2 हो जाएगा। तो cos 1/2 कहाँ पर होता है, cos 1/2 होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। ऐसे ही जैसे sin 30 और cos 60, ऐसे ही cos 30 और sin 60 की वैल्यू सेम होती है। तो इस टाइप से हम वैल्यू वहां पर पुट कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए, और
डेफिनेटली हम अपनी तरफ से आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आ रहे हैं। अभी एनसीईआरटी करेंगे, फिर एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के बाद फिर कुछ रेफरेंस से कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। डेफिनेटली आप लोगों को बड़े इजी वे से समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।